हाय फ्रेंड्स नमस्कार आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स जो अभी मैंने गए महीने यूज़ किए और इन्जॉय किए अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जहाँ हम बात करते हैं फैशन ब्यूटी और लाइफस्टाइल की अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है जहाँ पे आपको ट्रैवल व्लॉग वग़ैरह मिल जाए मेरे चैनल पे जाकर एक्सप्लोर करो काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको ट्रैवल व्लॉग्स के नाम पर सो जस्ट गो एंड watching those videos and एंड लेट्स गेट and started with today's वीडियो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी इसकी ये लगभग खाली होने आया है एंड nivea uh, का सॉफ्ट बेरी ब्लॉसम फ्रेशीज़ करके ये variant है मैंने Amazon हॉल वीडियो में आपको दिखाया था आई fell इन लव विद this वन usually मैं nivea के बॉडी केयर प्रोडक्ट्स कम यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के बॉडी केयर प्रोडक्ट्स हैं मेरे husband काफ़ी लॉयल है nivea को लेके एंड दिस टाइम आई डोट नो वॉट इट वॉज आई एल टेल यू वॉट माई डी द रीजन दैट दिस वन ऑफ पैकेजिंग पैकेजिंग येस पैकेजिंग बट आई एल टेल यू मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतना अच्छा स्मेल करेगा आई वॉज लाइक आर्टिफिशियल स्मेल हो गया एंड वॉट नॉट आई वॉज सो रॉन्ग एम आई एम हैप्पी दैट आई बिन प्रूव रॉन्ग ये जो है ये नीविया uh, का सॉफ्ट बेरी ब्लॉसम फ्रेशीज बॉडी केयर क्रीम है I love it. It smells so good. It smells of fresh berries. Nothing artificial. Uh, to an extent that uh, you'll feel, uh, you know, कि stand नहीं कर पाओगे fragrance को. I love it. और ये बहुत समय तक linger नहीं करता है skin पे. I apply it on uh, my hands, and legs, and uh, that's it. And आप देख सकते हो हमने कितना use किया हुआ है. मैंने ज़्यादा use किया है. Let me put that, uh, put it uh, out there because वो भी Nivea का. जो दूसरा वाला उन्हें पसंद है ब्लू डब्बे में जो आता है बड़े वाले डब्बे में वो यूज करते हैं एंड ही लाइक डिट इफ ही लाइक डिट इट्स अ बिग डेल बिकॉज ही जनरली डजेंट लाइक डिफरेंट क्रीम्स फ्रेग्रेंस वाले तो बिल्कुल भी नहीं इतना प्रॉब्लम uh, नहीं है बट या यू नो ही इज लाइक दैट सो ही लवडिड एंड यू ओके आई विक इट इज गोइन टू गेट ओवर आई डो नो वर शूड परचेज चैकिंग इफ ही लाइक डो नॉट बिकॉज ही लवी एस विक नहीं नहीं ये ऑर्डर कर दो मैंने कहा पक्का यू लाइक डिट आई वॉज आई वॉज जस्ट डबल चेकिंग नो नो यू डेफिनेटली डू इट सो येस आई एम गोइंग टू री ऑर्डर इट पड़ी सून आठ नौ दिरहम का पड़ा था मुझे सो येस एंड इंडिया में मैंने चेक किया हंड्रेड एम एल की बॉटल तो बहुत सस्ती है यार यहाँ पर ये महंगा है ये हंड्रेड एम एल का टब है सो आई लव इट कहाँ सा करो अभी मैंने रेयर ब्यूटी का uh, ऑल वीडियो ख़त्म किया है सो दैट्स द ब्यूटीफुल मैं सुबह द आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव इट इन दिस वंस आई गेट डन विद दिस वीडियो आल रिमूव एवरी थिंग सो ये जो है ये देखो एब्जॉर्ब हो गया और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई है ना कि ये बहुत ज़्यादा भी लगा लेती हूँ तो भी ऐसा ग्रीजी ग्रीजी फील नहीं होता दे आर बॉडी बटर्स इन माई कलेक्शन उसको अप्लाई करने के बाद आपको बहुत ग्रीजी फील होगा अनिजी फील होगा यहाँ चिपक रहा है ऐसा फील होगा so i'm really happy it's a pretty lightweight moisturizer i love to use it because of the fragrance and packaging i had picked it up and now i'm amazed and i'm going to reorder it for sure i'm body creams. Kaise lagte i would love to know your opinion and this one in particular if you have tried or not or it's my dothin or variants the. i was going to order the other variants but i think i'll stick to this one because i know how the fragrance is so that's that let's move on and talk about दीज टू प्रोडक्ट्स अभी मैंने अपनी प्रोडक्ट एम टी वीडियो में भी ये दिखाया है पर मैं यहाँ पे आपको ये बात फिर से रिएक्ट्रेट करना चाहती हूँ बिकॉज आई लव दीज टू प्रोडक्ट्स ये कॉसर एक्सका प्रोपोलस सिनर्जी uh, टोनर है एंड दिस वन इज़ द ओवर नाइट मास्क बहुत यूज़ कर रही हूँ मैं इसको एंड बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है मुझे मेरी ड्राई सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन है एंड यहाँ पे हल्का फुल्का ड्राइनेस रहता ही रहता है पूरे दिन थ्रू आउट द डे सो वट आई डू एट नाइट रात को मैं इसे अप्लाई करती हूँ टोनर फिनिश हो गया बाय द वे और इसका मैंने अमेजोन से वापस से मंगा लिया है चार सौ का टोनर है काफ़ी महंगा है पर ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है एंड आई लव्ड द प्रोडक्ट इन दट सो इसलिए मैंने इसे पिक किया uh, मैं कॉटन पैड पे से लेके अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ पोर्स क्लीन करती हूं रात को ये अप्लाई करके सोती हूं टू मच आई डोंट अप्लाई जितना चाहिए उतना ही लगाती मैं एंड आई लव दीज टू प्रोडक्ट्स सो इसलिए मैंने इसको स्टॉकअप किया है फिर से एंड आई शो यू दिस ये ऐसा दिखता है थोड़ा जल लाइक फील होगा आई जस्ट प्रॉब्लली आई शुड ओवर योर ये ना जल लाइक फील होता है एंड देख रहे हो आप क्लियर लग रहा है हल्का सा येलो टिंज है इसमें एंड ये देखो ख़त्म गया वो स्किन के अंदर इट्स अ रियली गुड वन एस ओवर नाइट मास्क आई हाईली रिकमेंड दिस वन मैंने राइस वाला भी मास्क लिया था बट समहा राइस वाला ओकेश लगा मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा कॉसरेक्स का ही राइस वेरियंट भी है एंड मैंने जब से ये लिया है ड्रास्टिकली कि वाह मेरी स्किन कितनी अच्छी होगी नहीं बट ऐसा स्किन केयर रिजीम की बात करूँ तो उसमें मैंने इसे इंकॉर्परेट किया है इट इज़ नॉट गिवन मी एक्ने प्लस मेरी जो ड्राइनेस रहती है फ़ेस पे इसको रात में अप्लाई करने से अगले दिन सही दिखता है मेरे फेस इधर उधर से ड्राई नहीं हो रहा होता है इधर उधर से यू नो ड्राई पैचेस नहीं दिख रहे होते हैं प्लस कोई किसी तरह का कास्ट नहीं दिख रहा होता है सुबह उठने के बाद एंड डजन फील ग्रीजी सो दैट इज़ द रीज़न आई लव यूजिंग इट एंड आई थिंक आई री परचेज इट जब भी मैं इसे खत्म करूँ मुझे नहीं लगता ये जल्दी खत्म होने वाला है थोड़ा थोड़ा लेती हूँ सो so, बहुत सारा बचा हुआ है ये भी मैंने अमेज़ॉन से पिक किया था और नायका पे मैं चक्कर थे मुझे संभव मिला नहीं आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि इंडिया में कहाँ पर अवेलेबल है आई एक्सप्लोर मोर सो दैट फेलो फ्रेंड्स कैन चेक इट आउट एंड यू नो ट्राई सो लेट्स मूव ऑन मैंने आपको अपने शॉर्ट्स वीडियो में इसका स्वाच ऑलरेडी दिखा दिया है नहीं जाके देखा तो वो जाके देख लेना पर मैं दिखा देती हूँ वैसे मेरे नेल्स पे लगा रखा है मैंने ये एसेंस कॉस्मेटिक्स का हैवीली हैप्पी हैप्पीली एवर आफ्टर आ, नेल पेंट है आई लव द शीन आप देख सकते हो कितना अच्छा है मैंने कितने कोट्स लगाए हैं यार बस एक ही चीज़ है यहाँ पर साधरम का आता है मैं पे मैंने थी ढूंढे नहीं मिला पर कहीं और मिलता होगा आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड मच पर मैं ये कह रही हूँ कि ये ऑफ कोर्स चिप ऑफ होता है मैं दिन भर काम करती रहती हूँ किचन uh, में तो यू नो या फिर मैं बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ कि ये चिप ऑफ होता है एंड आई लव द शीन तो आई डोंट माइंड री अप्लाइंग इट यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग इट्स इट्स लाइक फटैंग कलर नहीं है एंड प्री फ्रेश आई आई रियली इन्जॉय यूजिंग इट एंड आई मैंने इसको ख़रीदा था रख दिया था बट समहाउ समिंग इन माई माइंड वॉज लेकिन नहीं नहीं वो मुझे शीन वाला लगाना है शीन वाला लगाना है सो so ये वाला मैंने उठाया और मैंने इसे अभी तक रखा नहीं है साइड में कि बस आई एम डन विद आइड बिकॉज आई बेन री अपलाइंग फॉर टू वीक्स स्ट्रेट ना मतलब चिप ऑफ हो जाता है तो निकाल लेती हूँ फिर दोबारा से फ्रेश लगाती हूँ एंड ना एक दो बार तो इधर उधर से चिप ऑफ कर तो उसके ऊपर ही लगाया बट इट्स नॉट लुकिंग अगली सो शीन इज दैट इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल नाइसली पिगमेंटेड गुड क्वालिटी नेल पेंट एंड रीजनेबली प्राइस सात दरम का है ये प्री प्री रीजनेबल आई वो से एंड आई एम हैप्पी दैट आई पिक दिस वन अपन द वे एंड हैप्पी एवर आफ्टर द एसेंस कॉस्मेटिक्स नेल पेंट रिमूव करने के लिए सालों से मैं ये यूज़ करती आ रही हूँ आई एम नॉट श्यूअर हेड मैं रिसेंटली आई रियली वॉन्ट टू री एक्ट्रेट कीको का एस ए टोन फ्री जेंटल नेल पॉलिश रिमूवर वन ट्वेंटी एम एल का प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कितना यूज़ किया है इट्स ब्री स्ट्रॉग दो इवन दो इट्स एज एस फ्री आई डोंट नो वॉट इज़ इन इट हाउ इट हैज़ बिन फॉर्मुलेटेड पर से कि ये बहुत स्ट्रॉग है ऐसे चुटकियों में निकाल देता है आपका नेल पेंट कलर सो आई एम नॉट सीन एनी प्रॉब्लम विथ माई कि एकदम पीले कर देता है एंड ऑल दो प्रॉब्लम्स पर से आई एम नॉट इवन सींग कि ये नेल केयर भी करता है बट इसका काम है नेल पेंट उतारना वो कर देता है सो दैट्स दैट आई रियली वॉन्ट टू पुट दैट आउट दैट नेक्स्ट स्टे है कैर प्रोडक्ट माई है इट जस्ट हैज़ बिन फॉलिंग फॉलोइंग एंड फॉलोइंग आपको ये देख के लग रहा होगा वॉल्यूम है मेरे तो घर वाले भी कहते हैं कि तुम्हारे कितने सारे बाल थे दैट्स और ट्रू अब पानी चेंज होता है गए सालों में तो धीरे धीरे करके चीज डिटरेट होती ही है एंड आई विल बी ऑनिस्ट आई डोंट डू मच फॉर माई है सो या दैट्स दैट्स द फैक्ट बिलीव इट और नॉट तो मैं एक्चुअली ये मैंने बहुत सारे लोगों को रेप करते हुए सुना था गए साल तो so, मैंने इसे पिक किया था एंड आई मस्ट से आई लव दिस दिस इज लॉरियल्स एल एल्सिव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑयल है टाइप्स के लिए आई लव इट आई डोंट स्टाइल माई है माच यू मस्ट बी अवैन बाई नाउ इफ यू एव बिन वॉचिंग माई वीडियोज़ आपको पता होगा कि मैं ज़्यादा स्टाइलिंग वगैरह नहीं करती इवन दो आई कैन आई डोंट बिकॉज आई एम लेजी गर् बट कीपिंग दैट असाइड आप देख सकते हैं मैंने ऐसे काफ़ी यूज़ किया है इसके क्वान्टिटी पर मत जाना थोड़ा थोड़ा भी लोगे ना सफिशेंट है हल्के हल्के uh, नीचे रूट्स पे नहीं लगाना होता है इसे नीचे नीचे लगाओ इट नैल्स अमेजिंग इट फील्स गुड मेरे हेयर को वे डाउन नहीं करता एंड आई लव दिस सीरम आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड आई एम रियली हैप्पी विथ इट एंड मुझे लगा था गेमी के भी हो सकता है चिपचिपा होगा आई नो इट्स काइंड ऑफ ऑयल राइट सो ऐसा मुझे लगा चिप आई डोंट अप्लाई मच ऑयी प्रोडक्ट्स तो मुझे लगा क्या करूंगी मैं इसको लेके बट डेट्स वाई आई टुक द स्मॉल एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने छोटा लिया uh, ये ग्लास है तो टूटने तो का डर रहता है मुझे बट इसको लेकर ज़्यादा ट्रैवल मैंने नहीं गया. किया है सेफली ट्रैवल किया है सो आई वॉज अब है कि ये मेरे बैग में है एंड आई हैव टू बी कॉशियस सो या

फ्रेगरेंस हो बॉडी मिस हो रोजी नॉट वनीला एंड सच काइंड ऑफ फ्रूटी फ्लोरली फ्रेगरेंसेज इज वॉट आई लव बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने आपको ये बात बताई है एंड आई एल टॉक टू यू अबाउट दिस वन ये क्या है डू यू रिमेंबर माई शीन हॉल इफ यू हैव नॉट चेक दैट आउट जस्ट गो एंड चेक इट आउट गेट टू नो ये एक्चुअली परफ्यूम डिस्पेंसर है ये इसके अंदर परफ्यूम है सो रिसेंटली आई ट्रेवल टडन आई हैड पिक दिस वन अपड इसके अंदर पता है कौन सा परफ्यूम है परफ्यूम है प्लम का ऑर्चिड यू नॉट माई ऑल टाइम फेवरेट लव इट इफ यू नॉट ट्राई दैट वन आउट गो एंड ट्राई इड बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुलुलेटेड फ्रेगरेंस है वो आई कुडेंट बिलीव मैसेल मैन आई स्निफ इट फॉर द फर्स्ट टाइम एन आई परचेज इट एंड स्निफ्ड इट हाईली रिकमेंडेड इसलिए मैं ये इस, इसको मैंने खरीदा था कि मैं इसमें परफ्यूम डाल के इधर उधर ट्रावल करूंगी एंड देन आई जस्ट ट्रांसफर्ड दैट पर्टिकुलर परफ्यूम इन दिस प्लम का वॉट शूड यू नॉट एंड दिस इज सच ए ब्यूटिफुल केस सो आई लव इट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट केसेज एक और परफ्यूम होल्डर्स हैं मेरे पास बट दिस इज द बेस्ट लुक्स लगजूरियस वेल मेड वेल मेड सो दैट्स वाई दिस इज़ फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट्स इन माई कलेक्शन ओके लेट्स मूव वन एंड टॉक अबाउट दिस वन आई आई थिंक आई वेरी मच रिमेंबर वेरी क्लियरली कि मैंने आपको टर्की हॉल में ये बात uh, बताई थी कि मैंने टर्के से लिया है डिफेक्टो एक टर्किश ब्रांड है और उसके शॉप पर हम गए थे मैंने ग्रीन कलर का स्वेटर भी लिया था एफ आई एम नॉट मिस्टेक इन सो फ्रॉम द आई हैड पिक दिस बाय वन गेट वन पिथा और समथिंग पर यह मैंने दो बॉडल उठाई थी एंड बहुत समय से मेरे नियरेस्ट मॉल uh, में बता रहे कि डिफेक्ट वो आएगा 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 विद इन मंथ्स इट्स बी इन मंथ्स अभी तक नहीं आया आई एम वेटिंग फॉर इट सो दैट आई कैन पिक दिस वन अप इसका एक और बॉटल जो वो मेरा संभाल कर रखा हुआ मैंने बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ इट अप इट्स सो ब्यूटिफुल इट्स अ रोजी फ्रेगरेंस लव इट इज़ द फ्रेगरेंस नेम स्मेल सो गुड मैंने यहाँ आस पास ऐसे परफ्यूम्स ने किए हैं रिसेंटली एंड आई लव इट फ्रेश रोजेस की स्मेल है स्मेल ब्यूटीफुल नॉट लॉन्ग लास्टिंग हर एक आधे घंटे में मैं ऐसे स्प्रिट्स कर लेती हूँ अगर मेरा मूड हो नहीं हो तो नहीं करती हूँ बट वेन आई डू येस आई गेट कॉम्प्लीमेंट्स बिकॉज अ रियली ब्यूटिफुल परफ्यूम नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग वन बट आई रियली वॉन्ट टू शेयर विथ यू आई लव द पैकेजिंग ऑल्सो इट्स सो ब्यूटीफुल प्लम बेरी काइंड ऑफ पैकेजिंग लव लव द फ्रेगरेंस आई वुड से सो दैट्स दैट एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट ये सदा बहार रहेगा मेरे कलेक्शन में आई गैस सो यू आर द वन बाय बाथ एंड बॉडी वर्क्स काफ़ी यूज़ कर लिया मैंने आई थिंक सम वे हियर इट इज़ नाउ सो आधा यूज़ कर चुकी हूँ एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम यूजिंग इट आई लव दिस फ्रेग्रेंस इट स्मेल्स लाइक अ परफ्यूम इट्स अ बॉडी मस्ट बाय बाथ एंड बॉडी वर्क्स बहुत सारे वीडियोज़ में इसके बारे में बात कर लिया है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी पर आई लव इट पिछले महीने में भी मैंने इसे बहुत अच्छे से यूज़ किया है इसलिए आप देख सकते हो आधा खत्म करने आई हूँ तो आधा खत्म कर लिया और आधा मुझे लगता है इस महीने यूज़ करके ख़त्म कर दूंगी एंड आई एम डूइंग इट यू नो ऑर्गेनिकली आई एन्जॉय यूजिंग इट आई लव टू स्प्रेड इट ऑल ओवर माई बॉडी सो दैट्स दैट तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो आपको पता है आपको क्या करना है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो यार जाके सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को इट्स टोटली फ्री और इसके साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में ठीक के बाय बाय